राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए डीएम ने 7 अप्रैल तक इलाके में कर्फ्यू बढ़ा दिया था। राजस्थान करौली शहर में शनिवार को मोटरसाइकिल रैली पर पत्थरबाजी के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी और हिंसा में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में 36 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। करौली में हुई हिंसा के दौरान एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। इसमें चारों ओर आग की लपटों में घिरा एक पुलिस वाला एक बच्चे को अपने बाहों में भरकर भागता हुआ नजर आ रहा था। देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो गई थी। लोग इस पुलिस वाले की जमकर तारीफ कर रहे थे। कांस्टेबल नेत्री शर्मा हिंसा की खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे और एक बच्ची को आग के बीच से बचाकर बाहर ले आए थे। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी नेत्री शर्मा की तारीफ की है। मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और मेरे कार्य को बहुत सराहा जी। क्या पदोन्नति की भी और हाँ, पदोन्नति के लिए भी उन्होंने मेरे से कहा है। क्या कुछ मामला था इस मामले को लेकर इन्होंने जो आपको बधाई दी है? वो अभी परसों के दिन जो घटनाक्रम हुआ था करौली में, पथराव और आगजनी की जो घटनाएं हुई थी, उनमें एक मकान में एक बच्ची और उसकी माँ, उसके साथ एक दो अन्य महिलाएं भी थी, वो आग की लपटों में गिर गई थी। तो मैंने उस बच्ची को वहाँ से बाहर निकाला, उन महिलाओं को भी बाहर निकाला, बच्ची को अपनी गोद में लेके बाहर निकाला। तो इसी वजह से मेरे काम को सराहा जा रहा है, हालांकि मैंने मेरी ड्यूटी की है। बता दें, करौली पुलिस के अनुसार नव संवत्सर को मनाने के लिए बाइक रैली मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। देखते ही देखते हिंसा बढ़ गई। उपद्रवियों ने कुछ दुकानें जला दी और एक बाइक को भी आग लगा दी। कई दूसरी बाइकों में भी तोड़फोड़ की गई थी। पत्थरबाजी के बाद करौली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। इलाके में अब भी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं।